नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा, पवन कुमार राठौड़ के साथ में। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अब्दुल मजीद मेंगल नाम के एक शख्स की पहचान यह थी कि वह 54 बच्चों का पिता था। अब अब्दुल मजीद इस दुनिया में नहीं रहे। 54 बच्चों के पिता मजीद ने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पाकिस्तान के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का बलूचिस्तान के मोस्की में रह निधन हो गया। खबर के मुताबिक मजीद का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अब्दुल मजीद ने अपने जीवन काल में 6 महिलाओं से शादी की थी, इसमें से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, वही 4 अभी जिंदा है। मजीद को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अभी भी उनके 42 बच्चे जिंदा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अब्दुल मजीद के कुल 54 बच्चे थे, जिसमें से 12 बच्चों की कुपोषण से मौत हो गई। मजीद के 54 बच्चों में से अभी 42 बच्चे जिंदा हैं। 42 में से 22 लड़के और 20 लड़कियां हैं। पाकिस्तान में अब्दुल मजीद से जुड़ी एक कहानी काफ़ी प्रचलित है। दरअसल 2017 में जब पाकिस्तान में राष्ट्रीय जनगणना हो रही थी, तो मजीद के परिवार की संख्या देखकर सरकारी अधिकारी दंग रह गए थे। मजीद इसके बाद ही अपने देश की सुर्खियों में आए थे। मजीद की इस बात को सुनकर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मजीद ने कहा कि वह 100 बच्चों का बाप बनना चाहते हैं। पाकिस्तान में अब्दुल मजीद ने पहले जान मोहम्मद नाम का शख्स 36 बच्चों का पिता था। मजीद ट्रक चलाने का काम करते थे। उनकी पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई थी और इसके बाद उन्होंने 5 महिलाओं से शादी की। पाकिस्तानी मीडिया के से बात करते हुए एक बार मजीद ने कहा, मैंने कड़ी मेहनत की है और अपने बड़े बेटे को अच्छी शिक्षा दी है, मगर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये चीज़ें अब मेरे हाथ से बाहर है।